हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल यानी कि गुरुद्वारा साहिब जी तो मत्था टेकने के लिए। पिछले साल नहीं जनवरी में मैं गई थी, तो अब दोबारा मेरा सौभाग्य है कि मैं दोबारा दिसंबर में जा रही हूँ यानी कि 11 महीने बाद फिर मत्था टेकने जा रही हूँ। तो इस बार पायल, गोलू, संदीप और इनकी टीम के लक्ष्य, इनकी टीम के जो भी मेंबर हैं और भी होंगे, और हमारे साथ आयान जा रहा है। और मैं तो जा रही थी अपने घर, तो मैंने कहा था मैं घर चली जाती हूँ, तो संदीप ने बोला नहीं आप हमारे साथ माता पे नहीं गए, तो हमारे साथ अमृतसर गोल्डन टेम्पल चलो, तो आप मत्था टेक के आओ। तो बस मैं जा रही हूँ इनके साथ। तो गाइज मैंने ये सूट पहना है, बहुत सुंदर सूट है ये वाला। तो बस अब निकलने की तैयारी करते हैं। कम से कम 11:30 बज चुके हैं अब। वैसे तो कहते हैं यहाँ से पास है, अब हमें नहीं पता कि हमारे को आने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइज आपको भी वहाँ पर जाके दर्शन करवाते हैं। तो भैया यहाँ पर लड़का उठ गया है, अपनी नानी से बात कर रहे हैं। नानी से बात कर रहे हो? हाँ। जायद नाश्ता करो बेटा, नाश्ता करो। मम्मी देखो क्या पराठे ले आए सुबह सुबह है। नाश्ता करो बेटा, फटाफट खाओ खाना। कुछ खाना है? क्या खाना है? शक्ल देखो कैसे देख रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताओ? अमृतसर जा रहे हैं, मम्मी भी साथ जा रही है। ठीक है चलो, ये भी जाएगा। चलो तुम भी जा रहे हो? हाँ। निकलते निकलते फिर भी 12 बज गए हैं गाइस। देखो कहने की बात है कि हम 11 बजे निकलेंगे, करते करते 12 बज चुके हैं। देखो गाइस लुधियाना बाईपास पे ही अभी उतरी है लक्ष्य अपने घर को जाने को। तो ये देखो यहाँ पर फोटो सेशन हो रहा है, सारे के सारे मिल गए हैं अरमान जी को बीच में घेर रखा। हाँ चलो, ये फैंस हैं हमारे जो प्यार करते हैं जहाँ भी जाते हैं। सही बात है, जहाँ भी जाते हैं फैंस हमारे को प्यार करते हैं। बस अभी अभी चाय के लिए रुके हैं, गोलू का फोन आया था कि मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, चाय पीते हैं। अब चाय के लिए जो जगह मिली है वही रुक गए हैं। ओ फुल मजे कर लिए नानी साथ, फुल मजे। आज तो मट्ठी खा ली है, मट्ठी मॉमी लिटिल प्रिंसेस बन गई है ये, और साथ में वो तंदूरी फुल्का। हाँ देख ले। बस अभी अभी हम रास्ते में रुके हैं। आपके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई छुछू आ जाता है, किसी को पॉटी आ जाती है। शुक्र है एक ही बच्चा आया, अगर दो और आते तो फिर तो 10 मिनट बाद गाड़ी, हर 10 मिनट बाद गाड़ी रुकती। तो कोई बात नहीं, अभी आयान अब जरा साफ सुथरा बन गया है और नए कपड़े पहना दिए। आधे घंटे में ज्यादा ज्यादा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ना। चलो गाइस मिलते हैं आपको दरबार साहब। आपको भी दिक्कत? तो मम्मी भैया बहुत बार आ चुके गोल्डन टेम्पल ना? मैं तो बहुत बार आई हूँ, अभी पिछले साल ही आई थी, ये 5 जनवरी को। चलो चलो चलो। मम्मी बच्चों के लिए टॉय नहीं लेके आते आप जब भी आते हो? नहीं मैं हमेशा चिकुपुरी लाती हूँ। चिकुपुरी तो, तीन तीन और भी तो हैं। इस बार ना मम्मी आई थी, अभी ना है? इस बार ना इस बार मम्मी आई थी, चीकू यान तूबा जैक सबके लिए गिफ्ट लेके, चीकू के लिए गाड़ियां लेके। अब यहाँ से ना थोड़ा सा ना फास्ट हो जाओ क्योंकि ना लेट हो जाएंगे और हमारे ना यहाँ थोड़े चाहने वाले ज्यादा। मम्मी एक बार नजरों में आए फिर आप किसी को मना भी नहीं कर सकते ना। ठीक है फटाफट निकल चलो फिर। यार जब मैं आई थी 5 जनवरी को तो बिल्कुल मौसम ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मगर इस बार आए हैं 1 महीना पहले तो ठंड नहीं है गाइस, बिल्कुल ठीक लग रहा है। कोई स्वेटर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, पर बड़ा सही लग रहा है। बस हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल में। देखो गाइस पहले भी आई थी साल पहले, बस वैसा ही सेम नज़ारा है। दुख मंजनी बेरी है यहाँ पर, देखो सब आए हैं अपना। यहाँ पर कहते हैं कि सारे दुख हरते हैं। कर ले आप भी आती। आ रही हूँ मैं भी, आ रही हूँ। आप भी गाइस दर्शन कर लीजिए। तो
गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं था चाय पीने का, पर इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं पहले चाय पी ले, घर जाते ही ना तेरे को नींद ऐसी आएगी तगड़ी, तेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे मैं और मम्मी उतर के, गोलू नहीं उतरी लेकिन वो कहते मेरे पेट में दर्द भारी भारी बन हो रहा है। तो गाइस अभी सिर्फ चाय पीने गए थे और गोलू को मैंने इतना बोला था चल चल चल, गोलू इस बच्चे के चक्कर में गई नहीं और कुछ इसके पेट में दर्द हो रहा था। और मैंने देखा आने के टाइम पे ये मुझे लग रहा था उस टाइम सुला कितना मोटा हो गया यार ये, मुझे लग रहा है गोलू मच्छर नहीं है ये, फिर इसको ये दाने हो गए, इसको दो दाने हो गए, कैसे हो गए मुझे नहीं पता कैसे हुआ है। इस लड़के को पता नहीं क्यों कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। चलो आज मम्मी पायल देख, अच्छा क्या ना इसने दर्शन कर लिए, इसको हमने वो स्नान भी करा दिया है ना। पायल देख अच्छा ये तो कहीं जाता भी नहीं है। हाँ ये कहीं नहीं जाता मम्मी, दिल्ली हमारे घर ही नहीं आया, नानी घर ही नहीं आया कभी, कोई नहीं आप इसको लेके आएंगे नानी के घर। हाँ लेके आना, क्या कर रहा बच्चा, इसको पता चल चुका ये लोग। मैंने सोचा था ये लड़का सो गया होगा पर ये लड़का बिल्कुल नहीं सोया। अब यहाँ से हमारा कम से कम भी 2-2.5 घंटे का रास्ता है और अगर ये अब सोता है तो घर जाके बाकी दोनों बच्चों को जगा देगा। तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि इसे खिलाते रहते हैं, इसका पेट तो भर दिया हमने क्या हुआ इसको तो खिलाते रहते हैं हम खुद सोती है घर जाके सो जाएगा, हमें सुबह फिर 7 बजे उठना है, मैं सुला दूंगी मम्मी, हमें सुबह फिर 7 बजे, हाँ 7 बजे उठना है, हाँ, स्कूल छुट्टी हो जाएगी अगर नहीं उठे तो। नहीं नहीं मम्मी छुट्टी नहीं कर सकते, पहले एक दिन की छुट्टी होगी उसकी। हाँ। और मैं भी कल घर जाऊंगी। और गाइस कल जो है मम्मी चली जाएगी, आज मम्मी अमृतसर के दर्शन के लिए रुक गई थी मम्मी, वरना मम्मी कल ही जा रही थी, आज ही जाती थी सुबह, और कल मम्मी जो है सुबह सुबह चीकू को स्कूल भेजेंगे उसके, हाँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, निकल जाएगी घर के लिए। और मम्मी ने बहुत अच्छे से, मम्मी को हम सबको बहुत अच्छे दर्शन हुए, और जब भी बाबा जी ने दोबारा बुलावा लगाया तो इस बार मैं सभी बच्चों को लेके आऊंगी, चीकू जैद सभी लोगों को लेके आऊंगी ताकि सारे बच्चे एक बार मत्था टेक लें, क्योंकि बहुत ज्यादा सुकून मिला मत्था टेक के। काफी टाइम से मम्मी हम लोग बोल रहे थे हमें जाना है जाना है जाना है जाना है, मगर जब कोई भगवान जी बुलाएंगे तभी हम जाएंगे ना। तो फाइनली बुलावा आ गया था ना, एकदम आया अचानक अचानक। और देखो बुलावा पहले हमने बोला था सब बच्चों को लेके जाएंगे, हाँ। लेकिन सब बच्चों का बुलावा था नहीं, हाँ। सिर्फ अयान का बुलावा था, हाँ। तो इसलिए अयान आया। चलो अच्छी बात है, ठंड भी ज्यादा है, हाँ। और एक से मम्मी एक से इतना तंग हो गए, 3 बच्चे आते क्योंकि गाड़ी में सफर करना है, गाड़ी में 3 बच्चे एक साथ बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, नाखून मार दिया लाल हो गई, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना, इतनी ज्यादा सेंसिटिव है ना गाइस, हल्का सा कुछ हो जाता है लाल होके। इस लड़की को ये लड़के को मैंने इतनी लोरियां सुनाई है गाइस, मैं आपको लोरी सुनाऊंगी ना आप कहोगे वाह क्या लोरी बनाई है, जैसे मेरी दूध की बॉटल का फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, बहुत सारे बनाए थे मैंने, किसी दिन ना रिमिक्स करके आपको पूरा सुनाऊंगी, ऐसे नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, छोटे 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 करके सुनाऊंगी। और गाइस इतनी ज्यादा धुंध है ना ये देख लो आपको ना, मतलब इसमें तो आपको मैंने टॉर्च जला दी तो दिख रहा है, अगर टॉर्च ना जलाऊं ना अभी जो दूसरा टेक लेती हूँ जिसमें टॉर्च नहीं जलाऊंगी, तो ये देखो गाइस ये देखो ये देखो दिख रहा है आपको धुंध, अब देखिएगा आपको धुंध। फाइनली यहाँ पे जो है अयान सो चुका है और इतनी गंदी धुंध हो रही है ना, सच में इतनी गंदी धुंध, मतलब सामने ना लाइट दिख रही है ना गाड़ी दिख रही है ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर वो है भैया जो है बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाले हैं। मैं हूँ मतलब ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, देखो मैं भी ड्राइवर हूँ, मुझे जिसको गाड़ी चलानी आती है वो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है ठीक है, तो मुझे भी गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है पर इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी भैया चलाते हैं। मैं ना कभी भी ऐसे मतलब लंबे रूट पे गाड़ी कभी नहीं लेके गई, छोटे मोटे रूट पे मेरे को एक तो पार्किंग ना अच्छे से नहीं आती, अगर खाली पार्किंग है तो मैं लगा सकती हूँ, अगर बहुत एडजस्टेबल वाली पार्किंग है ना तो मेरे से गाड़ी नहीं लगती। ये देखो दिखेगा ही नहीं, बंदा ही नजर नहीं, बंदा ना बंदे की जाती है। गोलू को गाड़ी क्यों नहीं सिखाई आपने मम्मी, ये तो बात कराई मत करो आप। बस रात के 1 बजे हम घर पहुंच गए थे, तो आके कपड़े वगैरह चेंज किए, बातें करी, ऐसे अब 2 बज चुके हैं, तो मैं लेट गई थी, तो मैं लेटी तो मैंने कहा हो मैंने तो ब्लॉग का एंड ही नहीं किया, तो मैं पायल और गोलू को बोल के आई, मैं कहा आप लोग सो तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, दिमाग से ही निकल गया जो रस्ते में बन गया बन गया। आज बहुत इंजॉयमेंट हुआ, बहुत मज़ा आया गाइज, मैं पायल और गोलू के साथ मतलब कि इतनी दूर कभी ऐसे नहीं गई, जैसे अमृतसर तो पहली बार ही गई हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा इनके साथ जाके। तो कह रहे मम्मी जब भी कभी हम ट्रिप करेंगे तो आप हमारे साथ हमेशा चलना, तो हमेशा तो नहीं जा सकती मगर कभी कभाई तो बच्चों के साथ घूमना बनता ही है,
तो इस बार अमृतसर गए, बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी हो गए और बच्चे भी साथ में थे। और हमारे साथ अयान गया था, अयान कभी भी बाहर नहीं जाता, तो पहली बार अयान गया, हमारे घर में भी नहीं आया, तूबा आई है, जैद आया है, मगर अयान नहीं आया। तो मैं वही कह रही हूँ, अयान को लेके आओ, कहते पहली बार बाहर निकला है, बड़ा खुश था वो, मगर उसे तंग नहीं किया, मगर हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। तो मैं अभी अभी शॉप पर आई हूँ, पूजा देखो पंजाबी ले रही थी, अरे वो दी थी ना, तो मैंने बता दी मासी बता रहे थे कि ना वो ऑरेंज होने लग गई थी, कि परफ्यूम वगैरह लगाया था। अच्छा अच्छा, पैरों में परफ्यूम मैंने वो सही बंद की, ये घूम गई, मासी ने मुझे लास्ट टाइम बनाए थे, मैं कहा भी बना दीदी कर रही थी, वो टाइट कर दी, आज पूजा मंगल बाजार घूमने आई है, मिस कर रही थी मंगल बाजार, बहुत ज्यादा खाती हूँ, पहले वाली जिंदगी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा ये मंगल मिसिंग करती है, यहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए मस्त होते ना, पतले पतले मोट को चोटी मिल रही, देखो वहाँ पे मैंने निकली नहीं मार्केट, ये हमारी शॉप का कैमरा ये खराब हो गया था, करवा लिया अब तो आपने, डीवीआर भी ठीक करा दिया, और ये इसके चक्कर टीवी फूक गया, टीवी की पूरी ये पूरी पूरी नहीं लगे प्लेट, ये पूरी प्लेट चेंज हुई है, यानी दो बैठे बैठे दो हजार इसके लग गए, 2000 इसके लग गए, यानी कि एक नुकसान 2000 का होता ना, वहाँ 2000 का हो गया, 4000 का नुकसान हो गया। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जिन्हों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आगे से आगे शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो वो भी जाके जल्दी से फॉलो करो, तरुण बसरा 9 के नाम से है, और हमारे जो ब्लॉग है फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, वहाँ भी आपको अगर नहीं किया फॉलो तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो करिए, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।